गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर फैयाज आलम, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरादाबाद। आज मैं आपके सामने नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। इस जानकारी से पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर कमर अब्बास जैदी साहब का पहला स्टूडेंट हूँ जो मेडिकल फील्ड में आया था। 1996 में डॉक्टर साहब के साथ मैंने कोचिंग की थी। डॉक्टर साहब ने मुझे टीच किया था, मेरे मेंटर भी हैं और मुझे जो जो भी उन्होंने रास्ते दिखाए मैं उन्हीं रास्तों पे चला और आज ग्रेस बाय द गॉड मैं काफ़ी सक्सेस हो गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा नीट के एग्ज़ाम के बारे में, जैसे कि अगला एग्ज़ाम नीट का हमारा मई 25 में होना है, तो इसकी प्रिपरेशन हम लोगों को मेंटली अभी से ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम अपना गोल सेट करें कि हमारा गोल क्या है। दूसरी चीज़, कितना टाइम हम लगाते हैं, किस किस सब्जेक्ट को कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके हिसाब से हमें टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। कौन कौन सी बुक्स हैं, मेनली एनसीईआरटी बुक्स को कंसल्ट करना है और उसको कंसल्ट करें प्रॉपर तरीके से। उसके बाद सबसे जो ज़रूरी चीज़ यह है कि हमें अपना एरिया ऑफ वीकनेस आइडेंटिफाई करना है कि हमारा वीक एरिया कौन सा है, हमें उस पर ही फोकस करना है। हमारे न्यूमेरिकल में वीक हैं या हमें किस चीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जहाँ पर हमारे वीक पॉइंट हैं, हमें अपनी वीकनेस को ज़रूर आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज़, कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। कंपटीशन में बहुत सारे लोग बैठते हैं जो ऑन द स्पॉट किसका माइंड क्लिक करता है वो मैटर करता है। एक घंटा स्टूडेंट 8 घंटे मेहनत कर रहा है, एक 4 घंटे, लेकिन 4 घंटे वाला कितना कैच कर पा रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो हर सब्जेक्ट को अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लें, कितना फोकस करना है, किस टाइम पे हमें स्टडी करनी है, कौन सी बुक कंसल्ट करनी है, न्यूमेरिकल कब करने हैं, कौन कौन से एरिया हमारे जो हैं उनको हमें फोकस करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस तरह से अपना टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको नीट में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए हमें अपना गोल सेट करना पड़ेगा, अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, कितने घंटे हमें स्टडी में लगाने हैं, कितने घंटे हमें टाइम रेस्ट करना है। ऐसा भी नहीं आप 24 घंटे में कि भाई 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे। ब्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इतने अपने जो आप उसको स्टिमुलस भेज रहे हैं, इतना वो भेज रहे हैं, वो सारे के सारे एक साथ एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमें टाइम लगाना है, इतना टाइम स्टडी करनी है, उसके बाद रेस्ट करना है, फिर हमें रिकॉल करना है कि हमने क्या पढ़ा था, हमें कितना याद रहा। एक डायरी पेन जरूर लेके बैठे साथ में, कोई भी लाइन जब हम स्टडी करते हैं किसी बुक की उसके अंदर जो कीवर्ड होता है उसको भी अपनी डायरी पे नोट कर लें। जब हम बुक नहीं अपनी डायरी पे नजर डालेंगे तो जो कीवर्ड हम उसमें नोट करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि पूरी की हमने बुक स्टडी कर ली। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है नीट एग्ज़ाम को जो हमें क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए जहाँ पर हमें ये देखना है कि हम किस टीचर से स्टडी कर रहे हैं, हमारा मेंटर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने क्वालिफिकेशन है उनकी। उसके बाद थोड़ा सा पेरेंट की सपोर्ट भी ज़रूरी है बच्चों के लिए, बच्चों को हौसला अफजाई करें, उनको मोटिवेट करें। तीसरा, जो कि बुक्स हैं, हम कौन सा हमारे पास बुक मटेरियल है। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, उस पर लोग क्रैश कोर्स करते हैं। एनसीईआरटी की बुक मैक्सिमम कंसल्ट करें, और सबसे अच्छी स्टडी होती है जो हमने खुद की जाती है, जो किताब हमारे सामने है। हम किताब जब स्टडी करते हैं तो ये हमारा वो होना चाहिए उद्देश्य कि किताब हमसे क्या बोलना चाह रही है। और इसके साथ साथ हमें प्रॉपर डाइट का भी ख्याल करना है कि हमें कौन सी डाइट लेनी है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा खाना खा लिया, जब आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। अपना टाइम बांट लीजिए, प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट लें, विटामिन वगैरह हों। मैक्सिमम डाइट में जो आपका सोर्स है फ्रूट्स होने चाहिए। थोड़ा आपने स्टडी किया, आपने खाना का कुछ ले लिया, हल्के हल्के स्नैक्स टाइम टू टाइम लेते रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक टाइम में बहुत ज़्यादा खाना खाया और उसके बाद हमारा पढ़ने मन नहीं लग रहा। तो टीचर अच्छे होने चाहिए, मेंटर आपके, बुक आपका बुक मटेरियल अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स की सपोर्ट रहनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से डाइट रहनी चाहिए। और इसमें सबसे ज़रूरी रोल है आपकी नींद का, तो नींद का भी अपना ख्याल रखना है कि अगर आप ज़्यादा नहीं सोएंगे या ज़्यादा ही सोएंगे तो प्रॉपर तरीके से आप नहीं कर सकते। तो एक 6 से 8 घंटे का ड्यूरेशन हो गया, हमें इस टाइम पे अपनी नींद लेनी है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह के इस्तेमाल से बचें, ऐसा नहीं होगा हम स्टडी कर रहे हैं हमने यहाँ पर आवर में कोल्ड ड्रिंक ले रखी है उसको पी रहे हैं, वो फिर नुकसानदायक होती बहुत ज़्यादा वो हेल्थ के लिए। और लास्ट में सभी को मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट। सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, डॉक्टर कमर अब्बास जैदी साहब का नाम रोशन करें डिस्ट्रिक्ट में और काफ़ी जगहों पे मैं मिलता हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं सर को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी पोस्ट पर पहुँच गए लेकिन सर को उनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। इस वक्त हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि उनका जो है हमारे साथ हमेशा साया बना रहे और हम लोगों को आगे बढ़ने में उनकी मदद हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।